So in this video, मैं आपके साथ share करूँगा an honest review of India's one of the best quality whey protein, which is Nutrela's whey protein, often known as Patanjali का whey protein. मैंने Nutrela whey protein को around 1 month तक use किया और साथ ही साथ lab test भी करवाया है, जिससे कि हम लोग cross check करके जान सके कि इनकी packing के ऊपर ये लोग जो ingredients और whey protein and proteins बता रहे हैं, वो सारी चीजें इसमें है भी कि नहीं है. मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा कि इसके अंदर हमें प्रोटीन कितना मिल जाता है, BCAAs है कि नहीं है, एसेंशियल एमिनो एसिड्स है कि नहीं है, ग्लूटामाइन 9 ये सब चीजें है कि नहीं, और कहीं इसके अंदर कोई बैन सब्सटेंसेस तो नहीं मिला दिया गया ना जो कि हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक होता है. नाउ ये किसे लेना है किसे नहीं लेना, इस पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे. वी विल ऑल्सो बी डूइंग बजट एनालिसिस. अगर आपका बजट जितना लो टू मीडियम यानी रुपीज 100 से लेकर 500 रुपीज तक, तब इस Nutrela whey protein वर्थ योर मनी, कि आपको ये खरीदना चाहिए, विल इट बी अ गुड इन्वेस्टमेंट और नॉट. अगर आप एक फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लो थ्री दर फिटनेस चैनल को, क्योंकि मैं प्रोवाइड करता हूँ हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड रियल और क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, और बन जाइए हमारी हेल्दी फैमिली के एक हेल्दी मेंबर. इन केस आप Nutrela whey protein को ट्राई करना चाहते हो तो मैंने इसे खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो. सो सबसे पहले बात करते हैं पैकिंग की. मैंने यहाँ पे Nutrela whey protein की 1 kg की पैक लिया था, जो कि मेरा 1 month आराम से चल गया था. नाउ इसके अंदर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि इसके अंदर क्या क्या मैक्रोज है, क्या क्या इसमें सब्सटेंसेस मिलाई गई है, जिससे कि आप इसे फ्यूचर में खरीदना है कि नहीं खरीदना उसकी डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर पाओ. हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स आ जाती है ऑफ दिस रिव्यू, विच इज नंबर ऑफ स्कूप्स पर पैक. यानी इस वे प्रोटीन की 1 kg के डब्बे के अंदर हमें कितने स्कूप ऑफ वे प्रोटीन पाउडर देखने मिल जाएगा. Nutrela whey protein की 1 kg के पैक के अंदर हमें 66 स्कूप्स ऑफ वे प्रोटीन पाउडर देखने मिलता है, विच इज द हाईएस्ट नंबर एवर. एज मैंने जितने भी वे प्रोटीन ब्रांड्स को ट्राई किया है, उनकी मैक्सिमम स्कूप होते हैं अप टू 30. तो यहाँ पे तो डबल ही मिल रहा है भाई. आवर नेक्स्ट मैट्रिक्स इज स्कूप साइज, यानी एक बार में जो हमारा स्कूप होगा वो कितने ग्राम का होगा. Nutrela whey protein के अंदर हमें 30 ग्राम की एवरेज सर्विंग साइज देखने मिल जाती है, एज मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स हमें अप टू 35 ग्राम तक की स्कूप ही प्रोवाइड कराते हैं. हमारी अगली मैट्रिक्स आ जाती है स्कूप पर सर्विंग, यानी एक बार की whey protein शेक बनाने में हमें कितने स्कूप ऑफ whey protein पाउडर यूज करना पड़ेगा. हियर Nutrela whey protein के अंदर हमें सिंगल स्कूप की सर्विंग देखने मिल जाती है. Our next matrix, which is one of the most important matrix of this review, which is serving in gram. यानि हमारे स्कूप के अंदर हमें एक्चुअल में कितने ग्राम ऑफ वे प्रोटीन पाउडर देखने मिल जाता है, क्योंकि यही तो हमारी बॉडी को ग्रो करेगा. Here, Nutrela whey protein के अंदर हमें 30 ग्राम की सर्विंग देखने मिल जाती है. Here comes the prime matrix of this review, which is protein per serving. यानि एक बार की वे प्रोटीन सर्विंग के अंदर हमें कितने ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाता है, एज हम लोग वे प्रोटीन का यूज ही तो इसीलिए कर रहे हैं कि हम लोग अपनी पर डे की डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन को पूरी कर सके. हियर Nutrela whey protein के अंदर हमें 24 ग्राम्स की स्टैंडर्ड प्रोटीन सर्विंग देखने मिल जाती है, जो कि मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स हमें प्रोवाइड कराते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू आवर लैब टेस्ट रिपोर्ट, ये प्रोटीन कॉन्टेंट 3 पॉइंट से कम हो गया है, विच इज 23.7 ग्राम. Our next matrix is BCAA, यानी branch chain amino acids. Now, branch chain amino acids काफी important role play करते हैं in whey proteins. As हम जैसे ही BCAAs वाला whey protein consume करते हैं, तो ये फटाफट हमारे muscles में absorb होके हमारे muscles को repair करते हैं, thus enhancing the post-workout recovery timing. Here, Nutrela whey protein के अंदर हमें 6 grams of BCAA देखने मिलता है, which is above than average, as most of the brands हमें up to 5.5 grams तक ही provide कराती है. और हमारे लैब टेस्ट के अकॉर्डिंगली ये BCAA कंटेंट एकदम परफेक्ट आया है, यानी ट्रू. आवर नेक्स्ट मैट्रिक्स इज ग्लूटामाइन. नाउ हम सबको पता है ग्लूटामाइन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, एज इसके मदद से ही हम लोग ये मसल खुद को रिकवर करते हैं. सो हियर Nutrela whey protein के अंदर हमें 4.7 ग्राम्स ऑफ ग्लूटामाइन देखने मिलता है, विच इज अगेन the highest of all, as most of the brands for me ये provide ही नहीं कराते, even they are costly than this, और जो provide कराते हैं वो under 4 grams के अंदर रहते हैं. So hats off Nutrela. Our next matrix is L-arginine.
नाउ एलार्जिनिन बड़े बड़े वे प्रोटीन्स के अंदर हमें देखने नहीं मिलता है, बट नॉट इन द केस ऑफ न्यूट्रिला वे प्रोटीन। इसके अंदर भी हमें एलार्जिनिन देखने मिल जाता है अकॉर्डिंग टू देयर पैकिंग, और हमारी लैब टेस्ट रिपोर्ट के अंदर भी ये बात ट्रू पाई गई है। हमारी अगली मैट्रिक्स आ जाती है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। नाउ डाइजेस्टिव एंजाइम्स किसी भी वे प्रोटीन में प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अगर आप इसे अच्छे से एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाओगे, डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टेकिंग वे प्रोटीन। हियर न्यूट्रिला वे प्रोटीन के अंदर हमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स देखने मिल जाते हैं, विच इज जस्ट परफेक्ट। हाउर नेक्स्ट मैट्रिक्स इज जीएमओ फ्री। कहीं इस वे प्रोटीन के अंदर इसकी कॉस्ट कम करने और इसके एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए कोई जेनेटिकली मॉडिफिकेशन तो नहीं करी गई ना। हियर न्यूट्रिला वे प्रोटीन की पैकिंग और इनके वेबसाइट पे लिखा है कि दे आर जीएमओ फ्री, और हमारी लैब टेस्ट के अंदर भी ये बात ट्रू पाई गई है। हाउर नेक्स्ट मैट्रिक्स इज ग्लूटेन फ्री। नाउ न्यूट्रिला वे प्रोटीन इज ग्लूटेन फ्री एज वेल एज देयर पैकिंग एंड आवर लैब टेस्ट रिपोर्ट्स, यानी ट्रू। Here comes the most important matrix for your health, which is banned substances free. कहीं इस वे प्रोटीन के अंदर कोई banned substances तो नहीं मिला दिया गया ना, which could be hazardous to our health. Here, Nutrella whey protein की packing और इनकी website पे लिखा है कि they are banned substances free and they meet all the rules and regulations as per the guidelines. और हमारी lab test report के अंदर भी ये बात एकदम true पाई गई है। Our next matrix is heavy metals free. Now this matrix is solely responsible for your kidney health. Now Nutrella whey protein की packing पे साफ साफ लिखा है these are heavy metals free, और हमारी lab test report के अंदर भी ये बात प्रूव पाई गई है। So this matrix से आप सबको इतनी बेसब्री से तैयार था, यानी हमारे cost per scoop की calculation का, मतलब एक scoop of Nutrella whey protein खाने में हमें कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, इसकी calculation करते हैं। Here फॉर दिस कैलकुलेशन मैंने फॉर्मूला यूज किया है करंट प्राइस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्कूप्स पर पैक, जहां हमारा फर्स्ट वेरिएबल आ जाता है करंट प्राइस, विच इज सब्जेक्ट टू चेंज इन फ्यूचर। अभी न्यूट्रिला वे प्रोटीन का करंट प्राइस चल रहा है ₹1499 ओनली। हमारा सेकेंड वेरिएबल आ जाता है नंबर ऑफ स्कूप्स पर पैक। हियर न्यूट्रिला वे प्रोटीन के अंदर हमें 66 स्कूप्स ऑफ वे प्रोटीन पाउडर देखने मिल जाता है। Therefore, हमारा कॉस्ट पर स्कूप आ जाता है इन द केस ऑफ न्यूट्रिला वे प्रोटीन ₹22 ओनली। इन केस आप न्यूट्रिला वे प्रोटीन को ट्राई करना चाहते हो तो मैंने इसे खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। अब करते हैं हमारा बजट एनालिसिस। अगर आपका बजट चलता है लो टू मीडियम, यानी ₹500 से लेके 1000 तक, या फिर आपका बजट चलता है मीडियम टू हाई यानी ₹1000 प्लस, तब Is Nutrella whey protein worth your money? क्या आपको ये खरीदना चाहिए? Will this be a good investment or not? Now, this is an excellent choice for extreme muscle mass and strength gain because इसका cost per scoop आया ₹22, जो कि काफी कम है compared to other brands. और जो quality इस price range के अंदर ये Nutrella whey protein provide करा रहा है, and that also being an Indian company, Jai Hind. So, hats off. So, अगर आपका बजट चलता है मीडियम टू हाई, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि इसके अंदर जो जो चीज हमें मिल रही है वो बड़ी बड़ी कंपनीज वाले प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, जो हमारे इंडियन कंपनी प्रोवाइड कराई है। सो अब जानते हैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आफ्टर यूजिंग न्यूट्रिला वे प्रोटीन फॉर 1 month। सो इसे यूज करने से मेरी मसल रिकवरी डेफिनेटली काफी अच्छे से एनहेंस हुई है। नाउ कंपेयर टू अदर हाई क्वालिटी वे प्रोटीन, इसका वे प्रोटीन भी काफी अच्छा है। Now, इसके अंदर हमें ऐसी चीजें मिल जाती है जो हमें बाकी प्रोटीन्स में नहीं देखने मिलती है, and then also it is an Indian brand. So, अब बात करते हैं मेरे फिजिकल मसल गेन की। So, इसे यूज करने से मेरा कोई ऐसा स्पेसिफिक वेट गेन तो नहीं हुआ है, बट हाँ ये बोल सकता हूँ कि वर्कआउट के बाद मेरे पंप काफी अच्छा आ रहा है। अब जानते हैं कि मेरा पर्सनल फेवरेट वे प्रोटीन कौन सा है, जो मेरे फर्स्ट डे ऑफ जिम से लेके आज तक यूज करता हुआ आ रहा हूं और लॉन्ग टर्म में उसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। सो मेरा पर्सनल फेवरेट वे प्रोटीन है ऑन का वे प्रोटीन। नाउ इसे मैं काफी लॉन्ग टर्म से यूज करता हुआ आ रहा हूं, ये मेरे बॉडी टाइप को काफी अच्छे से सूट करता है। इन केस आपको ऑन का वे प्रोटीन ट्राई करना हो तो मैंने इसे खरीदने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। So, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपके स्क्रीन के ऊपर वे प्रोटीन कंपैरिजन की प्लेलिस्ट चल रही होगी, वो आप देख लेना, उसके अंदर मैंने मल्टीपल वे प्रोटीन्स का रिव्यू एंड कंपैरिजन किया है। इन केस अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड तो कमेंट करना मत भूलना। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। जय हिंद, वंदे मातरम।